हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड हेल्दी कुकिंग विद सुचिता में। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कच्चे आम की खट्टी मीठी प्लास्टिक चटनी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए, इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आम की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कच्चा आम, जिसको हमने पहले से धो के रख लिया है। 1 टीस्पून अदरक का रस, 1.5 कप चीनी, 5 से 6 खड़ी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम आम का ये ऊपरी हिस्सा चाकू से निकाल के एक छिलनी की हेल्प से हम आम को छील लेंगे। इस तरह से हमको आम को छीलना है। इसी तरह से हम अपने सारे आम को छील के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने सारे आम को छील लिया है। अब एक कद्दूकस की मदद से हम आम को कद्दूकस कर लेंगे। इसको हमको बहुत महीन कद्दूकस नहीं करना है, हमको इसको थोड़ा सा मोटा ही कद्दूकस करना है। ये देखिए, हमारा अब आम कद्दूकस हो चुका है। अब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून घी को गरम करेंगे। जब घी हमारा गरम हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे खड़ी लाल मिर्च। खड़ी लाल मिर्च को भी हमको थोड़ी देर के लिए भुनना है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो खड़ी लाल मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कद्दूकस किया हुआ आम को डालेंगे। आम को भी हमको थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में भुनना है, क्योंकि आम को भुनने से आम का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और चटनी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। ये देखिए, जब आम आपका भुन जाएगा तो आम का थोड़ा सा कच्चापन है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, आम भुन गया है, इसका हमारा टेक्सचर अब चेंज हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1.5 कप चीनी। यहाँ पे हमको चीनी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि जो आम होता है वो हमारा खट्टा होता है। अगर आप चीनी की क्वांटिटी कम कर देंगे तो हमारी चटनी थोड़ी सी खट्टी खट्टी लगेगी, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती है। देखिए, अब चीनी हमारा पिघलना शुरू हो गया है। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और अदरक का रस। यहाँ अदरक का रस मेरे से स्किप हो गया है, मगर आप अदरक का रस ज़रूर ऐड करिएगा। और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए, हमारी चटनी अब पक के तैयार होने वाली है। अब 2 मिनट के लिए इसको हम लोग ढक के पका लेंगे। ये देखिए, अब हमारी चटनी पक के तैयार है। लग रही है ना, बिल्कुल प्लास्टिक जैसी। देखिए, चटनी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको आप किसी भी पूरी या पराठे के साथ आप इसको खा सकते हैं, जो कि आपके खाने के टेस्ट को दुगना कर देता है। इसको आप फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और आपका जब मन चाहे बस आप निकालिए और आम की खट्टी मीठी स्वादिष्ट चटनी का मज़ा लीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।